सुख शांति बंचवा मनिष को जो केतक मौलिक जिनिसर आवश्यकता रही रही खाद्य वस्त्र और बासगृह। खाद्य वस्त्र परि बासगृह मनिष पई एक प्रमुख आवश्यकता, कारण यह मनिष को सुरक्षा प्रदान करिथाए। सुरक्षित रहिले मनिष निज कथा और निज परिवार कथा भावे रोजगार द्वारा निज परिवार सह देश तथा समाजर आर्थिक प्रगति रे सहायक हुए। तेणु परोक्षरे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पई सुरक्षित बासगृहर नित्यांत आवश्यकता रही। तेबे बासगृह पई आउ एक मुख्य आवश्यकता हला बास उपयोगी जमी बा भूमि, कारण धन जीवनर सुरक्षा पई बासगृह जेमिति आवश्यक, गृह निर्माण पई सेमिति आवश्यक निज अधिकारभुक्त जमी। मात्र दुखर कथा आम समाज रे एभली अनेक लोक अछंती जो मानंक पाखरे निज अधिकार भुक्त बासगृह निर्माण उपयोगी जमी खंडिए न थाए। से माने भूमिहीन भावरे अन्यर मालिकाना थिबा जमी रे अस्थायी घर द्वार करी बसवास करिथांती किंबा बाध्य बाध्यकतारे सरकारी जमी रे घर तयारी करी रहिबाकू बाध्य होंती। देशर अन्य राज्य अपेक्षा आम राज्य ओडिशा रे एभली समस्या अधिक रही। उभय गाँ एवं सहर रे भूमिहीनक समस्या देखा मिलता है। भूमिहीनक भूमि अधिकार समस्या को दूर करी सेमानंकु बास उपयोगी जमी प्रदान करिबा पई केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न समय विभिन्न योजना प्रणयन करिथिबा बेले ओडिशा सरकार सेमिति प्रणयन करिथिबा एक योजनार नाम हेउछि वसुंधरा योजना। गृहशून्य परिवार को घरडीह आवंटन यही योजनार प्रमुख उद्देश्य। यह राज्य राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग अधीनस्थ एक योजना। जमीर प्रबंधन एवं अभावी लोकमानंक मध्यरे एहार आवंटन राजस्व और विपर्य प्रशमन विभागर एक प्रमुख कर्तव्य बोली धार्य करा जायछि। एही योजनार प्रच्छत्तरे एक विधिबद्ध इतिहास रही। पूर्व नियम तथा राजस्व विभागर चिठी संख्या 55226 तारीख 24/9/1970 अनुजाई 4 डिसिमिल पर्यंत सरकारी जमी गोटे घरडीह शून्य परिवार को गृह निर्माण उद्देश्य मागणार जोगाई दिया होई आसुछि। 2003-2004 वर्ष मध्य एही विभाग द्वारा घरडीहहीन और भूमिहीन परिवार मानकर एक आकलन करा जायथिला। आकलन अनुसार राज्य में 2,49,334 जन घरडीहहीन परिवार रही। पूर्वरु होइथिबा एक सर्वेक्षण अनुसार घरडीहहीन परिवार को आवंटन करिबा पई 12,276.864 एकर जमी राज्य भितरे उपलब्ध रहितला। मसीह प्रकल्प वसुंधरा एक मिशन अनुरूप कार्यक्रम भावरे आरंभ करा जायथिला। एही कार्यक्रम अधीन रे 3 वर्ष अर्थात 2005-2006 रु 2007-2008 मध्य समुदाय 2,49,334 संख्यक घरडीहहीन परिवार को गृह निर्माण पई जमी जोगाई दियाजिबो बोली निष्पत्ति निया जायथिला। 2007-2008 सुधा मोट 2,29,835 घरडीहहीन परिवार को 7,990.4 एकर जमी आवंटन करा जायथिला। राजस्व विभाग सर्क्युलर संख्या 2,8,733 तारीख 3/7/2008 अनुसार सरकार वसुंधरा योजना अधीन ग्रामांचल में उपयुक्त बिवेचित होइथिबा घरडीहहीन परिवार को सरकारी जमीर आवंटन सीमा 4 डिसिमिल स्थान में 10 डिसिमिल पर्यंत वृद्धि करथिले। वसुंधरा स्कीम को कार्यरूप देवार समय सीमा संबंध में एकथा स्पष्ट कर दिया जाइछि जे ग्रामांचल भूमिहीन परिवार को घरडीह पई जमी आवंटन करने एक निरविच्छिन्न प्रक्रिया। कारण जनसंख्या वृद्धि सहित लोक माने विवाह करिबा एवं नुआ नुआ परिवार गढ़िबा चंगु परिवार विभाजित तो होई चली तेणु हिताधिकारी संख्या बढ़ी एवं अधिक परिमाणर जमी आवश्यक होछि। तेणु परवर्ती समय एही परिसंख्यन रे किछिटा परिवर्तन आसीथिला 3-5-2011 सर्वे रिपोर्ट रु जना पड़िथिला जे 31-3-2012 सुधा राज्य में 1,49,266 संख्यार घरडीहहीन परिवार रही से 1,15,827 संख्यक घरडीहहीन परिवार 30-4-2013 सुधा घरडीह योग्य जमी बंटन माध्यम रे पाई परिथिले। तेबे एही योजनार हिताधिकारी हेबाकु हेले सरकारी स्तर रे केतेक मापदंडर निर्धारण करा जायछि, जेउ मापदंड अनुसारे एबे जमी बंटनर व्यवस्था होछि। यह सत्वे भी प्रकृत हिताधिकारी एही योजनार लाभ पाई पारुछन्ति कि नाही ताहा विभिन्न समय सृष्टि करिछि प्रश्नवाची। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।